गुड मॉर्निंग बेटा. इन लास्ट ऑनलाइन क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द ईयरली नंबर 11. मेजरमेंट के बारे में हमने बहुत सारी बात की थी, मोशन एंड मेजरमेंट के बारे में. एंड देन वी हैव सीन सम ऑफ द मेजरमेंट्स लाइक क्यूबिट एंड उंगली देन फुट एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट द मेजरमेंट. I am taller than you, I am longer than you. ठीक है, football is bigger than a volleyball, than a cricket ball. Likewise, you have seen so many examples of measurement. तो मुझे जब तक याद है तब तक we have seen this motion and measurement. ये वाली चीज़ें हमने कर ली थी, football ये भी हमने कर लिया था. ठीक है, hand span के बारे में, foot के बारे में, ठीक है, अंसिया के बारे में, क्यूबिट के बारे में भी हमने बात की थी. ठीक है, दिस वर द मेजरमेंट विच वॉज अडॉप्टेड बाय द एंशिएंट इंडियंस एज वेल एज इजिप्शियंस. के लिए भी ये सारी चीज़ें अच्छी थी मेजर करने के लिए. बट दिस मेजरमेंट वेर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी. फॉर एग्जाम्पल क्या प्रॉब्लम थी मैं बताऊँ, कि अगर आपका हाथ देखो और अपने फ्रेंड का हाथ देखो, आपका हाथ देखो और अपने फ्रेंड का हाथ देखो, तो हो सकता है आपका हाथ कंपैरेटिवली उससे बड़ा हो या छोटा हो. उसी तरीके से उंसिया, अंगूठा जो है, किसी का अंगूठा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है. टिप टू द थंब, टिप टू द पिंकी फिंगर, इनका भी डिस्टेंस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं. तो अगर इन्हीं चीज़ को स्टैंडर्ड मान लो तो किसी को कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कुछ कम मिल जाएगा, किसी की लेंथ बढ़ जाएगी, किसी की लेंथ कम हो जाएगी, है कि नहीं. ये सारे मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स थे. बट उनके पास कोई रास्ता नहीं था, पर हमारे पास तो रास्ते हैं, वी डू हैव अ टेक्नोलॉजी. तो अभी इसी के रिलेटेड हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो नाउ साइंस फन देख लेते हैं. टेक अ थ्रेड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द फोर आर्म बाय एनी क्लासमेट. क्या करिए, एक छोटी सी रस्सी लीजिए, सुई धागे वाली धागा लीजिए, और उस धागे की मदद से आपके क्लासमेट, कोई भी आपका दोस्त हो, उसका मेजर द लेंथ ऑफ द फोरआर्म ऑफ एनी क्लासमेट. फोरआर्म का मतलब होता है ये वाला हिस्सा. चलो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ स्क्रीन में. हाँ, फोरआर्म का मतलब होता है ये वाला हिस्सा. तो इस वाले हिस्से को ना आप नाप लीजिए अपने दोस्त को रस्सी की मदद से. This is called cubit. तो अगर आप forearm यहाँ से लेके, फिर से मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये forearm आपका ये हो गया, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक आप नाप लेते हो यहाँ से लेके, तो उसको cubit बोला जाता है, हमने पढ़ा है. ठीक है, Measure the cubits of a different classmate and compare them. तो उसी रस्से से हर दोस्त की cubit distance measure कीजिए. You will notice that there is a variation in length of cubits according to different student. आप ये देखोगे कि हर student का, हर बच्चे का जो cubit का length है वो vary कर रहा है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, ऐसे हो रहा है. It indicates that the unit cubit will vary from person to person. तो इससे यही अनुमान मिलता है कि cubit की जो लंबाई है वो इंसान दर इंसान बदल जाती है. Hence There will be no uniformity in length measurement, जिसकी वजह से लंबाई को नापने के लिए जो accuracy चाहिए, जो uniformity चाहिए, वो नहीं मिलेगी, वो बदल जाएगी. And thus accuracy cannot be maintained, जिसकी वजह से accuracy, एक perfect नाप हमको नहीं मिल पाएगा. That is why we need a standard unit of measurement. उसी की वजह से हमें कोई स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिससे हम इस चीजों को नाप सके. सो अ यूनिट विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्संस और प्लेस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट. तो मतलब ऐसा कोई यूनिट जो इंसान से लेके इंसान में भी बदलता ना हो, ना ही जगह को लेके जगह में बदलता हो. फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में वो चीज एक ही हो, तो उसको हम यूनिट के तौर पे ले सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट. क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट. टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी, मतलब तुम्हारा एक फुट, मतलब पूरी दुनिया का एक फुट होना चाहिए,
वो बदलना नहीं चाहिए, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। टुडे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजेस अ कॉमन स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसी नाप को बरकरार रखने के लिए पूरी दुनिया एक ही यूनिट को फॉलो करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ISI। आपने ISI मार्क बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे SI लिखा है, बट बेटर है आप ISI लिखो, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और मैट्रिक सिस्टम, उसको दूसरी भाषा में मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1790। तो ये जो सिस्टम है वो फ्रांस में बनाया गया था 1790 के साल में। अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, मतलब ये 330 years before इस सिस्टम को इंसानों ने अपनाया था। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम आर गिवन बिलो। इसके तहत तीन मुख्य चीजों को कवर किया गया नापने के लिए। कौन कौन सी चीजें, यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी में मैं आपको दिखाता हूँ, लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीन चीजों को नापने के लिए एक्सेप्ट किया गया, लंबाई, वजन और समय। इन तीन चीजों को नापने के लिए मैट्रिक सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने एक्सेप्ट किया, एक लॉ बनाया, जिसको नापने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल होंगे कि अगर आपको लंबाई को नापना है तो आपको उसको मीटर में ही नापना होगा, अगर आपको वजन नापना है तो आपको उसको किलोग्राम में ही नापना होगा, और अगर आपको वक्त नापना है तो आपको उसको सेकंड में ही नापना होगा। इसी वजह से इसको MKS सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों MKS? मीटर का M, किलोग्राम का K और टाइम का S। इसी तरीके से MKS भी इसको बोला जाता है। तो सिंबल भी होना चाहिए यूनिट है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीटर, हर बार मीटर 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 इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो थक जाएंगे। तो मीटर को लिखने के लिए सिंबल M, किलोग्राम को लिखने के लिए सिंबल kg और सेकंड को लिखने के लिए सिंबल S, MKS। यहाँ पे भी MKS बन रहा है, ठीक है। तो इनको अपनाया गया फ्रांस के द्वारा 1790 में, आज से 330 साल पहले। सो दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज MKS सिस्टम। देखो अभी मैंने बताया कि इस सिस्टम को दूसरे MKS सिस्टम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। अच्छा, ये आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लैरिटी, तो पेज नंबर 129 से आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। पेज नंबर 130, ओके। वी ऑफन कम अक्रॉस द सिचुएशंस वेयर वी हैव टू मेजर लेंथ। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें लंबाई को नापना होता है, लार्ज और स्मॉल, बड़ी या छोटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, जैसे कि एक शहर से लेके दूसरे शहर के बीच का अंतर, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ क्लासरूम, आपके क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई। विड्थ ऑफ अ पेपर पिन, कि जो हमारे पेपर पिन होती है उसकी चौड़ाई कितनी है वो। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, एक सिक्के की मोटाई कितने है वो। वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेजर ऑल दिस लेंथ यूजिंग द सेम यूनिट। तो ये सारी चीजों को एक ही यूनिट से नापना हो तो दिक्कतें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हम किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। बट क्लासरूम का जो लेंथ है वो किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। विड्थ ऑफ द पेपर पिन, पेपर पिन होता है वो बहुत ही छोटा है, तो उसको हम नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्केल इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपने देखा होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर देखा है ना, तो उससे हम नापते हैं। और थिकनेस ऑफ अ कॉइन, अभी सिक्के की जो मोटाई है उसको भी हम स्केल से नापेंगे, तो वो भी मिलीमीटर में नापेंगे, है या नहीं। तो इन सभी के लिए एक ही यूनिट इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। स्मॉलर और लार्जर
यूनिट्स आर नीडेड टू मेजर लेंथ इन वेरियस सिचुएशंस। तो यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग है तो उसके लिए यूनिट का इस्तेमाल भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए बड़ा यूनिट होना चाहिए, छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए छोटा, और मीडियम डिस्टेंस को नापने के लिए मीडियम यूनिट होना चाहिए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर यूज। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, मतलब जो एक बड़ा यूनिट था उसको हिस्सों में तोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाता हूँ कि एक किलोमीटर है तो वो एक यूनिट हो गया, हाँ या ना? तो उस किलोमीटर के 100 इक्वल अगर हिस्से कर दो, 100 बरोबर काट दो, तो एक हिस्सा हो जाएगा एक मीटर का। वैसे ठीक है, किलो का मतलब होता है 1000, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर के हिस्से आप कर सकते हो। बाद में मीटर आपको मिल गया तो उसके फिर से 100 या 1000 हिस्से करके आप उसका सेंटीमीटर बना सकते हो। सेंटीमीटर का भी हिस्से कर दो, काट दो, तो आप उसका मिलीमीटर बना सकते हो। इसको और भी अच्छे से समझना है तो अपने प्लास्टिक की स्केल ले लो। मैं इसको बड़े स्क्रीन पर समझाता हूँ। अगर आपकी प्लास्टिक की स्केल होगी ना तो उसमें ना सबसे बड़े इंचिस में दिया होगा। अभी इंचिस से छोटा क्या है तो सेंटीमीटर दिया होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखोगे तो सेंटीमीटर के बीच में भी छोटी छोटी लाइन्स बनी होगी, वो मिलीमीटर की लाइन्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूनिट को एक समान हिस्सों में बांट रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे हमें क्या होगा, छोटा यूनिट मिलेगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो इसी हिसाब से हम यूनिट को तोड़ सकते हैं। सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मैट्रिक प्रीफिक्सेस। ये जो यूनिट है उसको डिवाइड करने के लिए हम एक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्वक, नाम से पहले इस्तेमाल किए जाने वाला नाम। फॉर एग्जाम्पल आप, मेरा नाम है, मेरा नाम भट्ट नीरव है, तो नीरव के आगे क्या लग रहा है, भट्ट। तो भट्ट क्या है, प्रीफिक्स, नाम के आगे लगने वाली चीजों को प्रीफिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो मीटर यूनिट है तो मीटर से छोटा कुछ चाहिए तो हम मीटर के आगे क्या लगा रहे हैं, देखो सेंटी लगा रहे हैं, दैट इज सेंटीमीटर, मिली लगा रहे हैं, दैट इज मिलीमीटर, किलो लगा रहे हैं, दैट इज किलोमीटर। तो इससे क्या होगा, छोटे यूनिट और बड़े यूनिट आपको मिल जाएंगे टू द स्टैंडर्ड यूनिट रिस्पेक्टिवली, और यूनिट जो स्टैंडर्ड है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, अभी मान लो आपके पास एक स्केल है और आपको दो सिटीज, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस उस स्केल से नापना है तो कितने साल लगेंगे आपको स्केल लेके, एक स्केल, दो स्केल, तीन स्केल, पूरा सिटी तक जाना है, नाप पाओगे? नहीं। तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो जो हम स्केल यूज कर रहे हैं ना वो यूनिट काफी छोटा है, छोटे यूनिट से बड़ा डिस्टेंस नापा नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा यूनिट चाहिए। बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर। तो आप कभी रोड से गए होंगे तो रोड के दोनों किनारों पे ना आपने पत्थर देखे होंगे, मीटर स्टोन बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, मीटर स्टोन। वो 100 मीटर खत्म होने पे एक पत्थर ऐसे गोलाकार होता है, वो आपको दिखाएगा और वो डिस्टेंस दिखाता है कि अभी आपको जिस शहर जाना है वो इतना बाकी है, इतना बाकी है, लाइकवाइज। समझ में आया? ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, दो शहरों के बीच का जो अंतर है, इज मेजर्ड इन किलोमीटर, उसको किलोमीटर में नापा जाता है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ मीटर, और जो मीटर का मल्टीपल है, मतलब मीटर को बहुत ही बार मल्टीपल करके किलोमीटर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है, 1000 meters is equal to 1 kilometer। आपको याद रखना है, कहीं पे लिख लो नोटबुक में पीछे, इंपोर्टेंट नोट बना के। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मीटर फॉर्म्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स किलो टू मीटर, और इसको बनाया गया मीटर के आगे किलो लिख के। ठीक है, द विड्थ ऑफ पेपर, किसी पेपर, सॉरी पेपर पिन,
पेपर के ऊपर जो पिन लगा दें उसकी मोटाई नापने के लिए किलोमीटर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उसके लिए विच इज बीन मेजर्ड इन सेंटीमीटर, तो उसको नापने के लिए आपको छोटी सी स्केल चाहिए होगी जो सेंटीमीटर में होगी या फिर मिलीमीटर में होगी, विच इज अ सब मल्टीपल ऑफ मीटर, जो कि मीटर को तोड़ के बनाया गया है, उसके भागाकार करके सेंटीमीटर या मिलीमीटर बनाया गया है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ अ मोस्ट कॉमनली यूज सब मल्टीपल्स, यहाँ पे कुछ डेली लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब मल्टीपल्स दिए गए हैं और मल्टीपल भी दिए गए हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, चलो सबसे पहले तो इसको इतना ही बड़ा हो रहा है, ठीक है चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिली दिया गया है, तो मिली का मतलब क्या होता है, एक मीटर जो है उसका हजारवा हिस्सा जो होगा, क्या एक मीटर का हजारवा हिस्सा, तो यहाँ पे देखो 1/1000, तो जो छोटा सा हिस्सा बनेगा उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, जिसको हम सब मल्टीपल, मतलब सब मल्टीपल का मतलब होता है भाग करना, काटना। उसी तरीके से सेंटीमीटर के लिए 100 हिस्से करने होंगे, एक मीटर के 100 हिस्से करोगे तो सेंटीमीटर बनेगा, और किलो करने के लिए मीटर को हजार से मल्टीपल करना होगा, ठीक है, तो किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। सब मल्टीपल का मतलब है डिवाइड करना, जबकि मल्टीपल का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिलीमीटर के लिए हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि किलोमीटर के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि सेंटीमीटर के लिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी मीटर से मिलीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है उसको भी हम, जब आपका स्कूल रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम सीखेंगे अच्छे से, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि फिर से बोर्ड के ऊपर ये जो यूनिट्स चेंज है वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊं। तो डोंट वरी, अगर अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, हम इसको बोर्ड पे करेंगे, ठीक है ठीक है। ये छोटा सा फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। अभी ये देखो, ये तो हमारे सिटीज के बीच की बात हो गई, अभी यहाँ पे ना कुछ और भी बड़ा सोच रहे हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला सेंटर में कौन है, सूरज, सन। फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी, बुध। सेकंड नंबर पे वीनस, शुक्र। तीसरे नंबर पे अर्थ, पृथ्वी। फोर्थ नंबर पे मार्स, मंगल। देन गुरु, जुपिटर। उसके बाद सैटर्न, शनि। उसके बाद यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून। उसके बाद प्लूटो। वेरी गुड। तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम था। तो अभी आप सोचो कि किलोमीटर से भी नापने जाओगे तो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कब नापोगे, तो यहाँ पे किलोमीटर भी छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या नापते होंगे देखते हैं। बिटवीन प्लैनेट्स, स्टार्स, एक सूरज से लेके दूसरे सूरज के बीच का अंतर, गैलेक्सी से लेके गैलेक्सी के बीच का अंतर, मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, उसको नापा जाता है लाइट ईयर में। अभी आप पूछोगे सर लाइट ईयर क्या होता है, तो रोशनी को एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उस डिस्टेंस को लाइट ईयर बोला जाता है। क्या, रोशनी को एक साल में एक जगह से दूसरी जगह जितना पहुंचेगा उसको लाइट ईयर बोला जाता है, और लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है। वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि रोशनी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया एक साल के अंदर, जो अगर हम किलोमीटर के साथ कंपेयर करें ना तो कितना होता है, 10 मिलियन मिलियन किलोमीटर, 10 मिलियन मिलियन। अब इसको जब आप नोटबुक में लिखोगे ना तो नोटबुक के पेज भर जाएगा, उतना डिस्टेंस होता है, उतने किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा यूनिट है जब प्लैनेट और प्लैनेट के बीच में नापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, टूल्स ऑफ मेजरमेंट यहाँ से हम बाकी रखेंगे। तो आज के लिए जो होमवर्क है वो लिखने वाला होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, आज मैं आपको लर्न करने का होमवर्क दे रहा हूँ। तो जो भी हमने आज तक जो ये किया है उसको आपको लाउडली पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है।
ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो कहां से लेके कहां तक पढ़ना है, देखो मैं छोटा कर देता हूं। हाँ, यहाँ चैप्टर की शुरुआत से लेके ये एक पेज, ये दो पेज और ये तीसरे पेज में टूल्स ऑफ मेजरमेंट तक आपको पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके आगे भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, बट यहाँ तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपके वाइवा लूंगा, सीधा आपको पूछूंगा कि आपने पढ़ा तो मुझे ये बताओ इसका क्या होता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पढ़नी है, इंक्लूडिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स भी पढ़ने। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में टूल्स ऑफ मेजरमेंट से शुरुआत करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।